ये एक मुश्किल निर्णय है। दैट्स अ टफ कॉल, दैट्स अ टफ कॉल। अब आपकी बारी है, आपको बोलना है। वेरी नाइस। अगला सेंटेंस है, तुम यहाँ कैसे आए? इसे हम कैसे कहेंगे? व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। अब आपकी टर्न है, आपको बोलना है। अगला सेंटेंस, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे, आई हैव गॉट योर बैक, आई हैव गॉट योर बैक। नाउ इट्स योर टर्न, आपको बोलना है। वेरी नाइस। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। इसे हम कैसे कहेंगे? आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट। अब आपकी टर्न है, आपको बोलना है। अगला सेंटेंस है, मैं इसे तुरंत शुरू करूंगा, या फिर मैं इसे तुरंत शुरू करूंगी। इसे हम कैसे कहेंगे? आई विल गेट टू इट राइट अवे, आई विल गेट टू इट राइट अवे। नाउ इट्स योर टर्न। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, चलो इसे सरल रखें, या चलो इसे सरल रखते हैं, सिंपल रखते हैं। इसे हम कैसे कहेंगे? लेट्स कीप इट सिंपल, लेट्स कीप इट सिंपल। नाउ इट्स योर टर्न। अगर आपको लग रहा है मैं फास्ट जा रही हूँ, तो आप पॉज करके पीछे बैक करके आराम से सुन सकते हैं, ठीक है? लेकिन बोलना जरूर है आपको, बोल के प्रैक्टिस करनी है। वेरी नाइस। नेक्स्ट, मुझे यकीन नहीं है कि यह संभव है। अब इसे कैसे कहेंगे? आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स पॉसिबल, आई एम नॉट श्योर इफ दैट्स पॉसिबल। चलिए आपकी टर्न है। वेरी नाइस। अगला सेंटेंस है, मैंने इसके बारे में इस तरह से कभी नहीं सोचा। इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट लाइक दैट, आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट लाइक दैट। एक बार फिर से सुनिए, आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट लाइक दैट। इसे हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यस, वेरी नाइस। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मैं तुमसे फिर मिलूंगा या मिलूंगी। इसे हम कैसे कहेंगे? आई विल सी यू अगेन, आई विल सी यू अगेन। आपकी बारी है, बहुत छोटा सा सेंटेंस है। वेरी नाइस। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। इसे हम कैसे कहेंगे? आई एम काउंटिंग ऑन यू, आई एम काउंटिंग ऑन यू। अब आपकी टर्न है, आपको बोलना है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मैं तुम्हें अपडेट करता रहूंगा। इसे कैसे कहेंगे? आई विल कीप यू पोस्टेड, आई विल कीप यू पोस्टेड। आपकी टर्न है। चलिए अगला सेंटेंस, मैंने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इसे हम कैसे कहेंगे? आई हैवेंट मेड अप माई माइंड येट, आई हैवेंट मेड अप माई माइंड येट। नाउ इट्स योर टर्न। अगला सेंटेंस दे देते हैं, मुझे देर हो रही है। इसे कैसे कहेंगे? आई एम रनिंग लेट, आई एम रनिंग लेट। ठीक है, मुझे देर हो रही है, आई एम रनिंग लेट। नाउ इट्स योर टर्न। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, मैंने यह वह सुना नहीं। इसे कैसे कहेंगे? आई डिडेंट कैच दैट, आई डिडेंट कैच दैट। आपकी टर्न। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे हम कैसे कहेंगे? इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। नाउ इट्स योर टर्न। अगला सेंटेंस है, मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। इसे कैसे कहेंगे? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। नाउ इट्स योर टर्न।
अगला सेंटेंस ये होते हैं, मैं संपर्क में रहूंगा या रहूंगी, इसे कैसे कहेंगे? आई विल बी इन टच, आई विल बी इन टच। आपकी टर्न है। यह एक शानदार विचार है, इसे कैसे कहेंगे? दैट्स अ ग्रेट आइडिया, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, इसे कैसे कहें? यू कैन काउंट ऑन मी, यू कैन काउंट ऑन मी। चलिए आपकी टर्न है। अगला सेंटेंस लेते हैं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा या मैं सब कुछ संभाल लूंगी, इसे हम कैसे कहेंगे? आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। चलिए आपकी टर्न है। चलो इस पर हंगामा मत करो, इसे कैसे कहेंगे? लेट्स नॉट मेक अ फस अबाउट इट, लेट्स नॉट मेक अ फस अबाउट इट। आपकी टर्न है। तुम यह कर सकते हो, इसे कैसे कहेंगे? यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। आपकी टर्न है। वेल डन। अगला सेंटेंस लेते हैं, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, या फिर कहना चाहते हैं मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, इसे कैसे कहेंगे? आई विल कैच अप विथ यू लेटर, आई विल कैच अप विथ यू लेटर। अब आपकी टर्न है, आपको बोलना है। अगला सेंटेंस लेते हैं, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, इसे कैसे कहेंगे? आई एम ऑल सेट, आई एम ऑल सेट। नाउ इट्स योर टर्न। वेरी नाइस, छोटा सा सेंटेंस है, आई एम ऑल सेट। मैं भी यही सोच रही थी, ठीक है, या फिर मैं भी यही सोच रहा था। चलिए, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वाज थिंकिंग। नाउ इट्स योर टर्न। वेरी नाइस, अगला मुझे सोचने के लिए कुछ समय चाहिए, इसे कैसे कहेंगे? आई नीड सम टाइम टू थिंक, आई नीड सम टाइम टू थिंक। नाउ इट्स योर टर्न। अगला सेंटेंस लेते हैं, इसे व्यक्तिगत रूप से मत लो, इसे कैसे कहेंगे? डोंट टेक इट पर्सनली, डोंट टेक इट पर्सनली। चलिए आपकी टर्न है। अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ, इसे कैसे कहेंगे? आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ। नाउ इट्स योर टर्न। ओके, नाउ योर टर्न। मेरा मतलब वो नहीं था, इसे कैसे कहेंगे? दैट्स नॉट व्हाट आई मीन्ट, दैट्स नॉट व्हाट आई मीन। चलिए आपकी टर्न है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील, यह कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। अब आपकी टर्न है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मेरा तुम्हें चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, इसे कैसे कहेंगे? आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। आपकी बारी है। अगला सेंटेंस लेते हैं, आज के लिए इतना ही काफी है, इसे कैसे कहेंगे? दैट्स इनफ फॉर टुडे, दैट्स इनफ फॉर टुडे। चलिए आपकी बारी है। अगला सेंटेंस लेते हैं, मैं तुम्हें थोड़ी देर में मिलूंगी, इसे कैसे कहेंगे? आई विल सी यू इन अ बिट, आई विल सी यू इन अ बिट। आपकी टर्न है। वेरी नाइस, अगला सेंटेंस
लेते हैं, देर से आना ना आने से बेहतर है। इसे कैसे कहेंगे? इट्स बेटर टू लेट देन नेवर। इट्स बेटर टू लेट देन नेवर। चलिए अगला सेंटेंस, आपकी प्रैक्टिस रहेगी, डू इट। वेरी नाइस। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, चिंता मत करो मैं इसे संभाल लूंगी। इसे कैसे कहेंगे? डोंट वरी आई हैव गॉट दिस। डोंट वरी आई हैव गॉट दिस। चलिए आपकी टर्न है। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, यही मुझे चाहिए था। इसे कैसे कहेंगे? दैट्स जस्ट व्हाट आई नीडेड। दैट्स जस्ट व्हाट आई नीडेड। आपकी टर्न। अगला सेंटेंस लेते हैं, मुझे बिल्कुल पता नहीं है। इसे कैसे कहेंगे? आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया। फाइन, आपकी टर्न है। ओके, मैं इसे तुरंत शुरू करूंगा। इसे कैसे कहेंगे? आई विल गेट राइट ऑन इट। आई विल गेट राइट ऑन इट। ठीक है, आपकी टर्न है। वेरी। अगला सेंटेंस, ये इसके लायक नहीं है। इसे कैसे कहेंगे? इट्स नॉट वर्थ इट। इट्स नॉट वर्थ इट। अगला सेंटेंस, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? इसे कैसे कहेंगे? What are you waiting for? What are you waiting for? आपकी टर्न है। चलिए अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा है। इसे कैसे कहेंगे? I can't believe it. I can't believe it. आपको प्रैक्टिस करनी है। यस, अगला सेंटेंस, यही तो मैं कह रहा था, या यही तो मैं कह रही थी। इसे कैसे कहेंगे? दैट्स वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। दैट्स वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। चलिए आपकी टर्न है। वेरी नाइस। नेक्स्ट ले लेते हैं, मैं इसे आजमाऊंगा। इसे कैसे कहेंगे? या फिर मैं इसे आजमाऊंगी। आई विल गिव इट अ ट्राई। आई विल गिव इट अ ट्राई। आई विल गिव इट अ ट्राई। आपकी टर्न है। यह मेरे हाथ में नहीं है। इसे कैसे कहेंगे? इट्स आउट ऑफ माई हैंड्स। इट्स आउट ऑफ माई हैंड्स। इट्स आउट ऑफ माई हैंड्स। ठीक है, आपकी टर्न है। मुझे समझाने दो। इसे कैसे कहेंगे? लेट मी एक्सप्लेन। लेट मी एक्सप्लेन। यह मेरी गलती है। इसे कैसे कहेंगे? इट्स माई फॉल्ट। इट्स माई फॉल्ट। आपकी टर्न है। अगला सेंटेंस लेते हैं, मैं रास्ते में हूं। इसे कैसे कहेंगे? आई एम ऑन माई वे। आई एम ऑन माई वे। तुमसे मिलने का और इंतजार नहीं कर सकता। इसे कैसे कहेंगे? आई कांट वेट टू सी यू। आई कांट वेट टू सी यू। ठीक है, अब आपकी टर्न है। चलिए अगला सेंटेंस ले लेते हैं, मैं स्थिति से गुजर चुकी हूँ। इसे कैसे कहेंगे? आई हैव बीन देयर। आई हैव बीन देयर। अगला सेंटेंस है, मैं तुम्हें अपडेट रखूंगी। इसे कैसे कहेंगे? आई विल कीप यू अपडेटेड। पहले हमने क्या लिखा था? आई विल कीप यू पोस्टेड, और इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई विल कीप यू अपडेटेड। ठीक है, आपकी टर्न है, आपको बोलना है। वेरी नाइस।